दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने नवनीत भारद्वाज जी का नाम तो सुना ही होगा। 6.5 लाख सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब पर। काफी बड़े यूट्यूबर है यार, लाखों में सब्सक्राइबर है तो बड़े यूट्यूबर तो होंगे, और 6.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। वे अपने चैनल पर प्रैंक्स वीडियोज बनाते हैं, तो उनके बारे में जो बड़ी खबर ये है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। अभी 1 या 2 दिन पहले शायद किया गया है। उन्होंने वीडियोज भी अपलोड की हुई है इंस्टाग्राम पर। उनका कहना यह है कि भाई हमने अपने घर पे सीसीटीवी कैमराज लगवाए थे, इसकी वजह से पता नहीं उनके सामने वाले पड़ोसियों क्या प्रॉब्लम हुई या फिर क्या, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने सामने वाले पड़ोसियों ने उनके घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया है। और नवनीत भारद्वाज जी को भी काफी चोट आई है, उनकी उंगली भी एक तरीके से खत्म ही हो गई है, एक उंगली उनके एक हाथ की, और उनके बड़े भाई के पैरों में भी काफी चोटें हैं, और उनके माता पिता पर भी लाठीचार्ज किया गया, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ है। उनके पिताजी के तो सिर पर भी काफी चोटें लगी हैं। और नवनीत भारद्वाज जी आगे अपनी वीडियो में क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक छोटी क्लिप आपको दिखा रहता हूँ, आप ध्यान से देखना। 21 जुलाई 2021 को मेरे सामने वाले पड़ोसी द्वारा, जिनका नाम राजेश शर्मा है जो कि बॉस्टन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एवं उनके छोटे भाई योगेंद्र शर्मा तथा उनके परिवार के अन्य कुछ लोगों द्वारा मुझ पर तथा मेरे बड़े भाई मोहित भारद्वाज एवं मेरे माता पिता पर हमला किया गया है जानलेवा घर में घुसकर। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हमने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाए थे एक सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि किसी भी लॉ में कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि उनके घर का कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसा प्राइवेट प्लेस नहीं दिखता है जिससे उनको आपत्ति हो। फिर भी पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस तरह का उपद्रव मचाया और हम पर जानलेवा हमला किया और हमारे साथ में मारपीट की गई है। ये पूरे हादसे में हमें भरपूर क्षति पहुंचाई गई है, जिसमें मेरे सीधे हाथ की उंगली लगभग ख़त्म सी हो गई है। मेरे बड़े भाई को 3-4 लोगों ने घेर कर खूब मारा है, जिसकी वजह से उसके पैरों पर अच्छी खासी चोट पहुंची है तथा उसके पैर पूरी तरीके से घायल हैं। ये दृश्य देखकर जब मेरे माता पिता मेरे बड़े भाई को बचाने के लिए गए, तब मेरे पापा के सर पर इन्होंने डंडे से हमला किया, जिससे मेरे पापा के सर पर भी चोट आई है तथा उनके हाथ पर भी बहुत गहरी चोट आई है, एवं मेरी मम्मी तक पर इन्होंने डंडे मारे हैं, एक लेडीज़ तक पर इन लोगों ने डंडे बरसाए हैं। अब मेरी समस्त पुलिस प्रशासन से, SP महोदय जी से तथा मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाए, एवं मुझे, मेरे बड़े भाई तथा मेरे परिवार के सदस्यों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि हमें हमारी जान का खतरा है। यार CCTV कैमरे अपने घर में लगवाना कौन सा जुर्म है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, तो फिर भी नवनीत भारद्वाज जी पर हमला क्यों किया गया, उनके सामने वाले पड़ोसियों के साथ क्या हुआ कि उन्होंने हमला कर दिया। इस स्थिति में तो इनको पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए भाई, मेरा मानना भी है भाई अगर इस तरह की इनकी स्थिति है तो इनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना चाहिए, आप जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ, उनकी वीडियो को शेयर करो, और ये जो वीडियो है इस वीडियो को भी शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नवनीत भारद्वाज जी के बारे में सबको पता लग सके और उनकी फैमिली को और उनको जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन दी जा सके। पूरी वीडियो नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे पड़ी हुई है, मैंने नवनीत भारद्वाज जी का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे आप जाकर के IGTV पे उनकी पूरी पूरी वीडियो देख सकते हो और सारा मामला जान सकते हो।